हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस का किचन। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ सिंघाड़े को बॉयल करने का सबसे आसान तरीका। आप कैसे इजी तरीके से घर में बॉयल कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिंघाड़े लिए हैं जिसको अच्छे से पहले मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि सिंघाड़े जो है तालाब के अंदर मिलते हैं और इस काफ़ी सारे से अंदर गंदगियाँ होती है, इस वजह अच्छे से इसको जो है वॉश करना होता है। और यहाँ पर मैंने टाइट वाले लिए, जो कड़े होते हैं ना बॉयल करने के, वो सबसे अच्छे सिंघाड़े होते हैं, तो आप उसी सिंघाड़े को लें। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी आधा ग्लास पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि तरीके बहुत होते हैं बॉयल करने के, स्टीम करने के, और जो मैं मेथड बताऊँगी बहुत ईजी है और आसान तरीके से ये बॉयल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक प्लेट रख दूँगी और जो भी सिंघाड़े हैं सारे इस प्लेट के अंदर मैं सिंघाड़े रख दूँगी। और इससे क्या होगा कि जो मैंने पानी डाला है वो पूरा सिंघाड़े तक नहीं आएगा, और जब इसकी जो भाप निकलेंगे, स्टीम होगा जो, उसी से ये सिंघाड़े अच्छे से पक जाएंगे। और यहाँ पे सारे सिंघाड़े मैंने रख दिया है। अब इसको जो है लीड को बंद करके और एक विशल आने तक इसको जो है बॉयल कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जब डायरेक्ट पानी के साथ करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पानी घुस जाता है, जिससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। यहाँ पे एक विसल आ चुकी थी और अब यहाँ पे मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद मैं जो है लीड को हटा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है कि लीड को हटा दिया और ठंडा होने के बाद यहाँ पर मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तो ये बिल्कुल ठंडे हो गए थे, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं करने हैं, इतना कि आप उसको जो है हाथ में पकड़ सके। और देखिए कितना इजी तरीके से सिंघाड़े जो हैं बाहर निकल जाएंगे इस तरह से कट करके। इसको पील करने के बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी आप हाथ से भी, और ये इजली हाथ से भी निकल जाता है, बट नाइफ से इस तरह से कट करेंगे इजली ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से सारे कट करके और प्लेट में मैं इसको जो है निकाल लूँगी। तो अगर सिंघाड़े बॉयल करने का मेरा ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।